हे गाइस वेलकम टू डांस फ्रिक्स, मैं हूं निशांत और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं बेसिक लेवल के 5 स्टेप्स। जिन सब्सक्राइबर्स को डांसिंग का बहुत कम एक्सपीरियंस है और डांस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ये 5 स्टेप्स बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये मेरे बेसिक स्टेप्स का दूसरा वीडियो है, जिससे पहले भी मैंने एक 5 बेसिक स्टेप्स का वीडियो बनाया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और ऊपर से कार्ड भी आ गया है। ओके, इन स्टेप्स को ज्यादा प्रैक्टिस करने से आपके शोल्डर मूवमेंट, हिप मूवमेंट और नीज की मूवमेंट थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड जाएंगे, दो स्टेप्स लेते हुए 1 2 1 2। ठीक है, अब जाते टाइम अपना जब पैर बाहर निकले तो कमर थोड़ी सी बाहर निकालने पीछे की तरफ से, इस तरह से। ठीक है, ये पीछे से बाहर निकाला और फिर अपने नीज को बेंड करेंगे जब दूसरा पैर आ गया है, तब इस तरह से। ठीक है, ये 1 2 3 4। ठीक है, कमर बाहर घुटना बाहर, कमर बाहर घुटना बाहर। जब पैर बाहर निकालो तब उसे बेंड रख के आगे नहीं निकालना है, स्ट्रेट रखना है, फिर बाद में बाहर आएगा घुटना। ये 1 2 3 4 तो ही इफेक्टिव लगेगा। ठीक है, अब इसके साथ हाथ को क्रिस क्रॉस करना है, क्रॉस में अंदर लेके बाहर निकालेंगे। तो लेफ्ट साइड जाते टाइम पैर इस तरह से होंगे और साथ में हाथ 1 2 3 4। ठीक है, अब ऐसे सीधा सीधा खड़े रह के नहीं करना है, थोड़ा सा लाउड मूवमेंट करके इस तरह से बाहर और बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब दोनों साइड करेंगे काउंट पे 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, थोड़ा जो भी हाथ का और पैर का मूवमेंट लाउडली करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, इसके लिए कमर को मूव करना है इस तरह से। अब कमर को हिलाने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ ध्यान होगा, अब एक पैर पर वेट अपना दे दो और दूसरा पैर सिर्फ सपोर्ट के लिए रखो, इस तरह से। नॉर्मली हम लोग कभी बात करते हो खड़े रहते इस तरह से। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कमर हिलाने की कोशिश करो। ठीक है, इस तरह से ये 1 2। ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकालोगे तो और अच्छे से मूवमेंट हो पाएगा। अब इसके साथ में चुटकी बजानी है, ये 1 2 फिर 3 4। अब इसमें नेक्स्ट पार्ट में ऊपर हाथ इस तरह से हिलाना है, ये 1 2 3 4, चुटकी को रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, काउंट पे 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट, इसमें हम हाथ को राउंड घुमाएंगे, इस तरह से घुमा के छोड़ देंगे, एक सर्कल पूरा करके, एक सर्कल कंप्लीट करके बाहर की तरफ जाने देंगे, फिर दूसरी डायरेक्शन में फेंक देंगे हाथ को। ठीक है, ये 1 थ्रो 2 थ्रो, सर्कल स्ट्रेट। ठीक है, और स्ट्रेट के साथ में पैर बाहर निकालेंगे दोनों साइड में, इस तरह से। तो ये पैर बाहर, यहां से पैर बाहर, 1 2 3 4। थोड़ा सा घुटने से बेंड होंगे इस तरह से। ओके, काउंट पे 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड, अब नेक्स्ट स्टेप शोल्डर वाला। इसमें क्या है, हम 4 बीट्स की जगह पर सिर्फ 3 बीट्स यूज करेंगे, फोर्थ बीट को ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, ये 1 2 3 ब्लैंक, 1 2 3 ब्लैंक। ओके, सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको स्पीड में भी कर सकते हैं, डबल स्पीड में 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से। ठीक है, अब इसके साथ में हाथ को इस तरह से रख सकते हो, फ्री रख सकते हो, फ्लैट रख सकते हो, आपके ऊपर है ये। फिर बाद में इसमें स्टेप्स भी ले सकते हो, चल भी सकते हो। ठीक है, इस तरह से अब इसको मूव करेंगे, एक एक बाजू एक एक स्टेप लेंगे। ओके, 1 2 3 4, इसके साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, काउंट पे 5 6 7 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब नेक्स्ट, इसमें घुटने को नीचे रखे इस तरह से फ्री रखना है ताकि ये हिल सके अच्छे से। अब इसे अगेन 4 में से 3 काउंट यूज करेंगे, इस तरह से 1 2 3।
ठीक है, 1 2 3 एंड 1 2 3, साथ में पैर फोर्थ बीट में पैर बाहर निकालेंगे, ठीक है, थोड़ा फोकस वहां पे रखने, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, पैर को टेढ़ा भी जा सकते हो, फुट को आगे भी लग सकते हो, आपके ऊपर है। इसके साथ हैंड मूवमेंट्स डालेंगे, आप अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हो। सो ये 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 5 6 7 स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो इसे और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और कोई वीडियो मिस नहीं करना हो तो बेल आइकन को दबा दीजिए, और कुछ और नया सीखना हो तो कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप डांसिंग।